सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु। सो इस भाई का सिलेक्शन हो चुका है फाइनली, इनका मेडिकल एग्ज़ाम भी हो गया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनकी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे इन्होंने मुझे एग्ज़ाम में जाने से पहले शेयर किए थे। एग्ज़ाम में जाने से पहले मतलब समझ लो ज्वाइनिंग जाने से पहले, बात यहाँ से स्टार्ट होती है। इन्होंने एग्ज़ाम का भी रिव्यू किया था, आई थिंक मैंने वो चैट क्लियर कर दिया था, बट यहाँ पे मेरा 18 को एनोरा ब्रो, तो जो भी चलो यहाँ पे सारी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते रहे। भाई का सिलेक्शन हो गया था नेवी में, किसी चीज़ से आउट हो गए थे, परसेंटेज नहीं थे उसका, जिनका कोस्ट गार्ड में हुआ फाइनल मेरिट वगैरह। चलो यहाँ पे चलो ये सब चीज़ें हटा देते हैं, अब आ जाते हैं सीधा यहाँ पे। इन्होंने रिव्यू भी शेयर किया डॉक्यूमेंट्स का फाइनल, कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का। मैं यहाँ पे क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ, जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आप इसे वॉच कर सकते हो। बात कहाँ से स्टार्ट होती, 335 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था फाइनल मेडिकल, तभी कहता हूँ थोड़ा मतलब आराम से। फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 308 प्रेजेंट हुए थे, 10 ने कुछ छोड़ दिया कोस्ट गार्ड को और ज्वाइन करना नहीं चाहते वो, और शायद 20 से 30 को डॉक्यूमेंट्स में आउट किया गया, समझ रहे हो। ज्वाइनिंग पे भी डॉक्यूमेंट्स का ये रोल होता है इंडियन कोस्ट गार्ड में। और 100 को री मेडिकल मिला है, 100 कैंडिडेट को, मोस्टली आइस को, लगभग मतलब 100 कैंडिडेट्स को री मेडिकल मिला। आप समझ सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड में ज्वाइनिंग कितना, 300-400 कैंडिडेट ही होते हैं फाइनल, उनमें से लगभग 100 को रीमेडिकल मिला है और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को आइस में रीमेडिकल यहाँ पे मिला हुआ है। चलो इन चीज़ों से बच के रहना, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ। ये क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, अगर आप देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे टाइम टाइम से मैं सारी अपडेट्स वगैरह आपको देता रहता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या आपका किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे पेपर में। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, या फिर आप ये आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे मिल जाएंगे वीडियो को अपलोड होने के कुछ देर बाद। तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर किया करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक साइनोनिम से क्वेश्चन आया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड इडियम फ्रेजेस, उसके बाद वन एंटोनिम एंड साइनोनिम से क्वेश्चन आया था। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वोकैब्स का अच्छा रोल रहता है, एक्टिव ही शुड वर्क का पैसिव वॉइस आया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन था, एक्टिव पैसिव से दो क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट से दो क्वेश्चन आते हैं, और उसका 6 से 7 क्वेश्चन आपका वोकैब से आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपका ग्रामर से आ जाते हैं। बस यही होता है पैसेज वगैरह आपको नहीं देखने को मिलता है इंग्लिश के 15 नंबर के क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पर पूछा था टाइटन किसका उपग्रह है, ये पूछा था। उपग्रह वगैरह आप सभी जानते हो कि जैसे बृहस्पति का सबसे ज़्यादा, बृहस्पति सैनिक सबसे ज़्यादा, फिर उसका बृहस्पति, ये सारे के सारे होते हैं 82-79 ऐसे। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर कौन था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भूटान से सीमा नहीं लगती, ये पूछा होगा, भूटान से किस देश की सीमा नहीं लगती है, जीके के क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 1 क्वेश्चन इसमें करंट का होगा। वैसे यहाँ पे इतने से तो इन चारों में से कोई करंट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये आपका मान सकते हो जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये भी आपका पॉलिटी का क्वेश्चन कहीं ना कहीं मान सकते हो, और भूटान से सीमा नहीं लगती ये भी आप मान सकते हो कि जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन तो जियोग्राफी के हो गए, 1 जिससे भी मानना चाहते हो, ये भी ओवरऑल चारों ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का देखने को पेपर में मिल जाता है। ये क्वेश्चन आया तो इंग्लिश का जीके जीएस सेक्शन देख लेते हैं। जीएस मतलब जनरल साइंस, यदि कोई पिंड किसी तीसरे के मध्य तापी साम्य में है तो आभास में तो ताप में साम्य होगी, किस नियम को व्यक्त करता है, लेकिन फार्मूला हमें दिया होता है। वैसे फिजिक्स का अच्छा रोल होता है, लेकिन ये जीएस की बात करें, जनरल साइंस आता है डोमेस्टिक ब्रांच के पेपर में, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे यदि परमाणु बम यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन पर आधारित है तो हाइड्रोजन बम होगा, अच्छा वो ठीक है, हाइड्रोजन बम जो आपका होता है ना, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ठीक है, उस चीज़ की यहाँ पे बात की गई थी। द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, पारा होता है। पत्थर लगने पर चोट किस कारण महसूस होती है, ऑप्शंस देख के करना था। यदि धारा व विभवांतर दोनों दुगना कर दिए जाएं तो शक्ति होगी, ठीक है। तो P बराबर VI इक्वल टू, ये जो फार्मूलेज होते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर अपन आर, पी V इक्वल टू आई स्क्वायर अपन आर, ये सारे के सारे फार्मूलेज जो आपको पता होते हैं इन्हीं से जाके P बराबर W अपन T पावर इक्वल टू जो फार्मूला होता है, ठीक है, तो इन्हीं फार्मूलेज से हमें यहाँ पे निकाल देना था। आगे बढ़ते हैं, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, वो 9.46 वाला जो होता है, वो चीज़ यहाँ पे ऑप्शंस होता है तो आप इजीली कर पाते हो। और देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश कुछ इन्होंने लिखा था, चलो हटाओ यहाँ पे टाइटन वही था, और देखते हैं, रुको एक सेकेंड, हाँ ये देखो मैथ्स ऊपर और भी क्वेश्चन हैं, आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेक्शन फर्स्ट में जैसे मैथ्स का जो था 25/9/2021 का था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो है 25/9/2021 का था, सेकेंड शिफ्ट का मैथ का पेपर था 25/9/2021 का, ठीक है। टेन स्क्वायर ए का मान यहाँ पे दे रखा है, 1 + sin a 1 - sin a, ऊपर हो जाएगा 1 - sin² a, तो क्या बन जाएगा, cos² a ऊपर बन जाएगा और नीचे हो जाएगा sin² a, देख रहे हो ना ये, ठीक है ना भाई, नीचे हो जाएगा cos² a 1 - cos² a मतलब sin² a, अपोजिट cos² a बेटे sin² a, tan² a हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सर tan a मतलब सेम ही वैल्यू तो आनी थी,
नहीं, कॉट बनेगा, कॉट बनेगा यहाँ पे, कॉट स्क्वायर बनेगा, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देना, काम खत्म। चलो ए का मान हमें यहाँ पे बताना था, ए एक्स प्लस फोर वाई बराबर सात और ये कुछ बराबर आठ, तो ए का मान बताओ। तो यहाँ पे ए का मान बताना था, तो भाई इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स करना था आपको, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए और एक्स, ए क्या, ए का वैल्यू निकालना था, ठीक है। वाई को कैंसिल कर दो, इसमें गुणा करा दो, इसमें टू का करा दो और नीचे वाले में ए का करा दो, काट पीट के निकाल दो। आगे यदि आयतन इतना है, गोले का आयतन, तो व्यास पूछा था, ठीक है, उसका आधा त्रिज्या रेडियस का मतलब आर डी बराबर आर बाई टू होता है, ये अपना फार्मूला होता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर बराबर हो तो नहीं लेकिन एक दूसरे पर लंब में चतुर्भुज होगा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। यदि किसी वृत्त के त्रिभुज तीनों कोण स्पर्श करता है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। ऋतु अपने वेतन का 10% दान करके निर्णय लेती है, परसेंटेज नहीं था, किसका है क्वेश्चन, ऋतु का मासिक वेतन होगा मान सकते हो, परसेंटेज का क्वेश्चन था। और प्रॉफिट परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी कवर हो जाता है। क्या जोड़ा जाए ताकि वह एक्स माइनस वाई से विभाजित हो जाएगा, इन क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश किया जाता है। निम्न में से वाई एच के समानांतर कौन सा होगा, तो वाई एच वाले पे स्टैंड करेगा, बाकी किसी पे नहीं स्टैंड करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू पी प्लस एक्स का एक मूल दो है, तो पी भैया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगा देना है, आपका कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन था ये। 5 × 4 × 3 सेंटीमीटर घनाभ का क्षेत्रफल होगा, घनाभ का क्षेत्रफल घनाभ का आयतन जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उसी तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। इनका क्या बताना था, रीजनिंग का क्वेश्चन था, यहाँ पे 6, 13, 20 जैसे लिखा गया है, वैसे इसे क्या लिखा जाएगा, तो कौन सा होगा जिसमें ऐसा लिखा जाएगा, तो 6 में कितने जोड़े गए हैं, 7 जोड़े गए हैं, 6 7 13 में भी 7, तो 7 7 14 ये हो जाएगा ऑप्शन, नहीं नहीं एक बढ़ा के जोड़ा गया, हाँ सही तो हो गया, यही हो जाएगा, तो बस ये नंबर राइट हो गया। अगला कुछ और फिर देखो, यहाँ से क्वेश्चन था, उसके देख क्वेश्चन ऐसा था, रीजनिंग के कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये कुछ आपका पेपर था जो आया था, ठीक है। मैंने इनसे बोला भी था कि आईसीजी के क्वेश्चन जो मेरे एग्जाम में आए थे, मैंने कहा थैंक यू। और ये देखो यहाँ पे, बाकी एक बात आप सभी के साथ में और भी शेयर कर, मैंने इनसे वीडियो का लिए भी बोला था कि भाई इंटरव्यू टाइप में कर लेते, फिर इसने भी बोला था भाई कर लेना जो भी मन हो, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, चैट में होगा ये, कुछ न्यू रिक्रूटमेंट वगैरह आता जो भाई मुझे बताता रहता था। हाँ देखो यहाँ पे मैंने बोला था, ठीक है मैं जल्दी बताऊँगा आपको कब है ज्वाइनिंग आई आपका, तो ये चीज़ें थी। इन्होंने फिजिक्स के लिए कुछ पढ़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं फिर आपको कोई भी चीज़ें जाननी हो तो आप सभी के साथ में शेयर कर दूँगा। बाकी कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने तो परीक्षा ऐप पर जाके लगा सकते हो, बिकॉज परीक्षा ऐप पर आपको बेस्ट मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाते हैं, एग्जाम रिलेवेंट मिल जाते हैं, थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है, ईजीजी के चक्कर में फिर वो जब पेपर में दोगे तो फिर आपको कुछ आएगा नहीं, तो पेपर वाला लगाओगे तो आपको मे बी स्कोर कम रहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर अच्छा करोगे, और फिर आपका कम आएगा, फिर पेपर में थोड़ा ईजी हुआ तो आप वहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसके लिए कोड यूज कर लेना ऑनलाइन D50 से, आपको छूट मिल जाएगी, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते रहोगे, टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, नहीं तो फिर वहाँ पर टाइम 30 मिनट में 50 क्वेश्चन GD सेक्शन में काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो बाकी फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, तो मैं आपका वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।